दोस्तों सबसे पहले तो आप इस डीप फील्ड के इमेज को ध्यान से देखिए। अब आपको इसके बीचों बीच बना ये ब्लू गैसियस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब क्या आप यहाँ गैस कर सकते हैं कि इसका मास कितना होगा? अब चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस इमेज में ब्लू कलर के दिख रहे इन गैसेस का टोटल मास सूरज से 100 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा है। अब कंपैरिजन करने के लिए बता दूं कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार सूरज से केवल 4 मिलियन टाइम्स मैसिव है और यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल टॉन 618 सूरज से 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा मैसिव है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सूरज से 100 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा मास कितना ज्यादा हो सकता है। और इसी स्ट्रक्चर का खुलासा किया है नासा के चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ने। इसके अलावा चंद्रा टेलीस्कोप के जरिए जेम्स वेब टेलीस्कोप की खींची गई शुरुआती इमेजेस पर भी रिसेंटली स्टडीज की गई है और जिसके जरिए वैज्ञानिकों ने इन इमेजेस में कई नई डिस्कवरीज की जो सच में काफी हैरान कर देने वाली है। और यार जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेजेस पर और भी कई रिसर्च की जाएगी जिसमें हमें और भी नई डिस्कवरीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आखिरकार वो समय आ चुका है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़े कुछ नए अपडेट्स और उसकी पुरानी इमेजेस में की गई नई डिस्कवरीज के बारे में जानने वाले हैं। अब दोस्तों इन इमेजेस के बारे में हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं लेकिन कुछ रीसेंट स्टडी के दौरान इन इमेजेस पर एक्सरे स्पेक्ट्रम का यूज किया गया जिसके लिए वैज्ञानिकों ने इन इमेजेस को कई अलग अलग टेलीस्कोप्स के जरिए देखा जिसमें चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से देखने पर हमें इन पुरानी इमेजेस में कई नई चीजें देखने को मिली। आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो से आप ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ आकर्षक गिफ्ट भी जीत सकते हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के अक्टूबर में आई नई अपडेट्स के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखो। वेल, ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई सबसे पहली एसमैक्स 0723 गैलेक्सी क्लस्टर की डीप फील्ड इमेज। हाँ, आई नो कि आप इस इमेज को पहले भी कई बार देख चुके होंगे पर दोस्तों ये इमेज है ही इतनी खास और कैनेडियन एस्ट्रोनोमर द्वारा की गई कुछ रीसेंट स्टडीज में हमें इस इमेज में कई नई डिटेल्स भी देखने को मिली है। कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पहले नजरअंदाज कर दिए गए थे। दरअसल दोस्तों अभी आप जो इमेज देख रहे हैं ये एक ऐसी गैलेक्सी का है जिसे वैज्ञानिकों ने स्पार्कलर गैलेक्सी का नाम दिया है जो अर्थ से करीब 9 अरब लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। अब स्पार्कलर गैलेक्सी चारों ओर से ग्लोबुलर क्लस्टर से सराउंडेड है। अब ग्लोबुलर क्लस्टर यूनिवर्स के ऐसे एक्सट्रीमली डेंस रीजन होते हैं जहां एक स्मॉल से रीजन में कई मिलियन से ज्यादा स्टार्स हायर कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। और स्पार्कलर गैलेक्सी के आसपास आप जो स्पार्कलिंग येलो रेड डॉट्स को देख रहे हैं ये सभी एंशिएंट स्टार्स से भरे ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं। अब इस वाले इमेज में आप ऐसे कई ग्लोबुलर क्लस्टर्स को देख सकते हैं। अब ग्लोबुलर क्लस्टर्स में स्टार के हायर कंसंट्रेशन के कारण इनकी ग्रेविटी की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण यहाँ एक अनयूजुअल फेनोमेना देखने को मिलता है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट कहते हैं। और सही मायने में आप जो स्पार्कलर गैलेक्सी देख रहे हैं ये यहाँ मौजूद है ही नहीं बल्कि इन ग्लोबुलर क्लस्टर के पीछे मौजूद है पर इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण स्पार्कलर गैलेक्सी से आने वाली लाइट बेंड होकर JWST तक पहुंच पा रही है। अब एस्ट्रोनोमर्स का कहना है कि ये इंसानों द्वारा यूनिवर्स में खोजे गए अब तक के सबसे ओल्ड ग्लोबुलर क्लस्टर्स का कलेक्शन है। इसमें करीब 12 कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर क्लस्टर्स मौजूद है जिनका फॉर्मेशन यूनिवर्स के फॉर्मेशन के कुछ मिलियन सालों के बाद ही हुआ था और इस समय को वैज्ञानिक कॉस्मिक नून कहकर बुलाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, यूनिवर्स के कुछ मिलियन साल बाद यानी अगर कैलकुलेट करें तो इनमें से कुछ ग्लोबुलर क्लस्टर की एज तो अभी 13 अरब साल हो चुकी होगी। अब आज भी वैज्ञानिक नहीं जानते कि यूनिवर्स में ग्लोबुलर क्लस्टर का निर्माण कैसे होता है पर एसमैक्स 0723 में मिले इन ग्लोबुलर क्लस्टर की स्टडी से हम उनके बारे में काफी कुछ जान पाएंगे और शायद इससे हम इनके फॉर्मेशन के बारे में भी जान पाए। ये वैज्ञानिकों के लिए इतने खास इसीलिए भी है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्लोबुलर क्लस्टर इंसानों के लिए हिडन ट्रेजर की तरह है जहां पर हम यूनिवर्स के कुछ सबसे पुराने स्टार्स पर स्टडी करके यूनिवर्स के फॉर्मेशन से जुड़े कई सवालों के जवाब जान पाएंगे। अब दोस्तों हम इंसानों की यही खासियत है कि हम अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब पा सके जो हमें हमेशा से परेशान करती आई है जैसे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना था, हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ था और केवल एक ही तरह के जीव जिन्हें होमो सेपियंस कहते हैं केवल वो ही आज धरती पर बचे क्यों हैं।
वेल, अब एस्ट्रोनॉमर्स की तरह ही आर्कियोलॉजिस्ट भी धरती की खुदाई करके हमारी पृथ्वी के इतिहास का पता लगाती है। और अपने इसी खोज में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली रशिया के आल्टाई माउंटेन्स में ये गुफा, जिसका नाम है डेनिसोवा केव्स। अब इस गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अलग से डीएनए मिले थे जो कि हम इंसानों के साथ मैच ही नहीं खा रहे थे, मतलब ये कोई और ही प्रजाति थी। अब शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये असल में नियांडरथाल के डीएनए थे जो कि उस गुफा में रह रहे होंगे, बट बाद में जाकर ये पता चला कि ये उनके भी नहीं थे। और तब जाकर उन्होंने इसे एक नई प्रजाति का नाम दिया जिसे डेनिसोवा होमिनीज कहा गया। अब ये स्पीसीज के बारे में हमें कितनी कम जानकारी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक इस स्पीसीज के अवशेष के नाम पे हमें केवल एक छोटी सी हाथ की हड्डी और एक दांत का टुकड़ा ही मिला है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्पीसीज के डीएनए आज भी कुछ मॉडर्न इंसानों के अंदर भी पाए गए हैं। तो अब सवाल है कि आखिर वो नई प्रजाति कैसे दिखती थी, वो आई कहाँ से थी और कहाँ विलुप्त हो गई। और इसी के साथ और भी सवाल कि पहला इंसान कौन था, और ऐसे ही इंसानों की ऐतिहासिक जानकारियों को आप कुकू एफएम पे टॉम हाइगम के लिखे इस बुक द वर्ल्ड बिफोर अस के बुक समरी में जान सकते हो। इसी के साथ आप सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को भी जरूर सुनना। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग और 10,000 प्लस ऑडियो सो लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम है इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म। अब वैसे तो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन आपकी दिवाली को और कामयाब बनाने के लिए अगर आप दिवाली 50 कूपन कोड से साइन अप करेंगे तो ना सिर्फ आपको यह एनुअल सब्सक्रिप्शन 199 का मिलेगा, बल्कि आप में से खास चुनिंदा लोग लकी ड्रॉ में भी एंटर करेंगे, जिसमें आप एक चमचमाते हुई कार, सोने का सिक्का और 10 लाख तक के वाउचर जीत सकते हैं। और भी बहुत कुछ गिफ्ट्स अवेलेबल है, तो देर किस बात की, 19 से 25 अक्टूबर के बीच इस कूपन कोड के साथ साइन अप करो और बनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब इस ब्यूटीफुल स्पाइरल गैलेक्सी IC-5332 की मिड इंफ्रारेड इमेज को देखिए। ये भी JWST टेलीस्कोप की पुरानी इमेजेस में से ही एक है। अब इस इमेज में आप गैलेक्सी के आर्म्स में कई रेड रीजन्स देख सकते हैं। अब गैलेक्सी के इन रीजन्स में लगातार स्टार्स की फॉर्मेशन चल रही है। अब वैसे क्योंकि ये इमेज जेम्स वेब के नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी कि नीर कैम द्वारा ली गई है, इसीलिए आप इसमें काफी सारी डिटेल देख सकते हो। पर हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई IC-5332 गैलेक्सी के इमेज में आप कई डार्क रीजन भी देख सकते हैं जहां आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, मानो यहां पर स्पेस पूरी तरह से खाली है। लेकिन अगर आप गैलेक्सी के इसी हिस्से को JWST टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस इमेज में देखोगे तो आपको वहां कई सारे स्टार्स और उनके नेब्यूलास देखने को मिल जाएंगे। अब इसका एक कारण ये भी है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप केवल विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट को ही कैप्चर कर पाता है जो कि यहाँ मौजूद गैसियस क्लाउड में स्कार्टेड हो जाती है, लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इन क्लाउड्स को काफी आसानी से पार कर जाती है, जिसके कारण JWST टेलीस्कोप में हम यूनिवर्स के ऐसे रीजन्स को भी देख पाते हैं जहाँ काफी ज्यादा इंटरस्टेलर गैसेस मौजूद होती है। IC-5332 ऐसी दूसरी गैलेक्सी है जिस पर स्टडी के लिए वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप दोनों के डेटा और इमेजेस का प्रयोग किया। वैसे अभी फ्यूचर में 18 और ऐसी गैलेक्सियों पर रिसर्च की जानी है जिनके बारे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। अब IC-5332 अर्थ से करीब 29 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्कल्प्टर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इसकी खींची गई इंफ्रारेड इमेज में जो हमें नए स्टार्स के फॉर्मेशन स्पॉट्स मिले हैं उन पर वैज्ञानिक लगातार स्टडी कर रहे हैं, और इन पर स्टडी करने का मेन रीजन यह है कि इन छोटे रेड डॉट रीजन्स में 100,000 ऑफ स्टार क्लस्टर्स मौजूद है जिनकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन भी एक दूसरे से काफी अलग है। इसीलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि इन रीजन्स में स्टार फॉर्मेशन पर स्टडी करने से उन्हें स्टार्स के फॉर्मेशन से जुड़े कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है? वैसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई स्टार या फिर गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ये इमेज रिसेंटली किए गए नासास डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट यानी कि डार्ट मिशन की है। अब इन दोनों इमेजेस को ही दो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप JWST टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप से डार्ट स्पेसक्राफ्ट के डिमॉर्फस एस्ट्रॉइड से टक्कर के समय खींचा गया था। अब डिमॉर्फस एक मून एस्ट्रॉइड है जो 65803 डिडाइमोस नाम के 900 मीटर चौड़े एस्ट्रॉइड के चक्कर लगा रही है। अब इसमें राइट वाली इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप के अल्ट्रा वायलेट कैम द्वारा ली गई है और लेफ्ट वाली इमेज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा द्वारा कैप्चर की गई है। यही कारण है कि एक ही इवेंट की इन
दोनों इमेजेस में आपको काफी ज्यादा कलर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब वैसे तो अभी इन दोनों इमेजेस पर ऑब्जर्वेशंस चल रही है, क्योंकि इन इमेजेस की मदद से वैज्ञानिक डिमॉर्फस एस्ट्रॉइड की कॉम्पोजिशन के बारे में काफी कुछ नया जान सकते हैं। इसके अलावा टक्कर के दौरान एस्ट्रॉइड का कितना हिस्सा टूटकर स्पेस में गया और इम्पैक्ट से इस पर कितना बड़ा क्रेटर फॉर्म हुआ, ये भी हमें आगे की रिसर्चेस में जानने को मिलेगा। अब इसी दौरान अर्थ पर मौजूद कुछ और टेलीस्कोप्स ने भी इस टक्कर के कई घंटों बाद तक डिमॉर्फस एस्ट्रॉइड से निकलते हुए एक टेल को देखा, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे करीब 10,000 किलोमीटर में फैली थी, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं लगा था कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट इस एस्ट्रॉइड को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा। अब डिमॉर्फस की 10,000 किलोमीटर में फैली ये टेल इसीलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि इस पूरे एस्ट्रॉइड का ही साइज केवल 170 मीटर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह टक्कर कितनी बड़ी रही होगी। दोस्तों, अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं यह टक्कर से पहले डार्ट स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई आखिरी वीडियो है, जिसमें आप डिमॉर्फस के सबसे करीब की सबसे डिटेल्ड इमेज देख सकते हैं। वैसे ही इस टक्कर के बाद से ही इसकी डायरेक्शन में जो चेंजेस हुए हैं उस पर वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं, यहां तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भी इनकी लोकेशन और मूविंग डायरेक्शन पर नजर रखी जा रही है। और अब फिर से बारी आती है SMAX J0723 की। इस इमेज को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फर्स्ट इमेज के इंफ्रारेड डेटा और नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा कलेक्टेड एक्सरे डेटा के साथ मिलाकर बनाई गई है। अब वैसे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के इस डीप फील्ड वाले इमेज में हम पहले ही कई सारी डिस्कवरीज कर चुके हैं, लेकिन इसे एक्सरे लाइट में देखने पर हमें इसमें यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े गैस क्लाउड रीजंस देखने को मिलते हैं, जो सुपर हीटेड गैस एंड डस्ट से भरे हुए हैं। लेकिन इन्हें ना तो इंफ्रारेड इमेज में देखा जा सकता है और ना ही अल्ट्रा वायलेट में, इन्हें केवल और केवल एक्सरे स्पेक्ट्रम में कैप्चर करने वाले टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। और इसीलिए अगर आप हबल या फिर JWST टेलीस्कोप द्वारा ली गई SMAX J0723 की इमेजेस को देखेंगे तो आपको ये सुपर हीटेड गैस क्लाउड्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, अभी इस इमेज में आप जिस ब्लू स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जिसे आपने इस वीडियो के शुरुआत में देखा था, वो सुपर हीटेड गैस क्लाउड है, जिसका मास तो आप सुनकर हैरान हो ही चुके थे, लेकिन उसका टेम्परेचर भी कई मिलियंस ऑफ डिग्रीज हो सकता है। मतलब जितना ज्यादा इसका मास है उतना ही ज्यादा इसका टेम्परेचर भी है। अब साथ ही साथ ये भी फैक्ट जान लो कि इस रीजन का जो मास है, यानी कि हमारे सूरज के 100 ट्रिलियन गुना ज्यादा मास वाला ये रीजन पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से भी कई गुना ज्यादा मैसिव है। पर रुकिए, अभी और भी बाकी है। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मास तो केवल उस मैटर का है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। अब वैज्ञानिक यहाँ मानते हैं कि यहाँ पर और भी ऐसा मैटर है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं इनविजिबल डार्क मैटर की बात कर रहा हूँ, और अगर उसके भी मास को इसमें काउंट किया जाए तो इस पूरे सुपरहीट गैस क्लाउड का मास पूरे SMAX J0723 सुपर क्लस्टर के टोटल मास से भी कई गुना ज्यादा होगा। नाउ आई थिंक कि मैंने भी इतने मैसिव ऑब्जेक्ट के बारे में पहली बार सुना है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इससे पहले सूरज से ट्रिलियन टाइम्स मैसिव किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता था क्या। अब दोस्तों, हमारी अगली इमेज है स्टीफेंस क्विंटेट। इस वाले इमेज को भी JWST टेलीस्कोप ने ही लिया था। अब वैसे तो इस इमेज में 5 गैलेक्सीज है, पर इनमें से 4 एक दूसरे के काफी करीब आ चुकी है, और इस इमेज में आप उन्हें एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए भी देख सकते हैं। अब वैसे तो ये इमेज आपने पहले भी देखा है, लेकिन जब इस इमेज के डेटा को भी चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के डेटा के साथ कंबाइंड करके इसकी एक्सरे इमेजेस खींची गई, तो उसमें भी हमें प्रीवियस SMAX J0723 गैलेक्सी क्लस्टर के एक्सरे इमेज की तरह ही कई बड़े ब्लू रीजंस दिखाई दिए, जो इन गैलेक्सी में मौजूद सुपर हीटेड गैस क्लाउड्स है। और चंद्रा टेलीस्कोप से मिले डेटा से यह पता चलता है कि यहां मौजूद गैसेस के इतने ज्यादा गर्म होने के पीछे का कारण एक बड़ी शॉक वेव है, जिसका निर्माण इन गैलेक्सीज के आपस में तेज टक्कर के कारण हुआ है, जिनके आपस में टकराने की स्पीड करीब 2 मिलियन माइल्स पर आर की है। अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अभी स्टीफेंस क्विंटेट इमेज में हमें और भी कई डिस्कवरीज देखने को मिल सकती है, इसीलिए इस पर अब स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से भी रिसर्च की जा रही है, जिसको देखकर लगता है कि जल्द ही हम इससे जुड़ी नई डिस्कवरीज पर दोबारा बात करेंगे। अब वैसे इस वाले इमेज को भी आपने पहले देखा था, इस गैलेक्सी का नाम है कार्टव्हील गैलेक्सी। अब इस वाली गैलेक्सी के भी जब दूसरी गैलेक्सीज की तरह चंद्रा टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने एक्सरे इमेजेस खींचा, तब हमें ये देखने को मिला। अब उन प्रीवियस इमेजेस की तरह ही इसमें भी आप जो ब्लू एंड पर्पल रीजंस देख रहे हैं वो सुपर हीटेड गैस है,
लेकिन यहाँ पर इस सुपर हीटेड गैस के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि स्टार में होने वाला सुपरनोवा एक्सप्लोजन आसपास मौजूद न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है जो आसपास के गैसों को काफी तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, जिससे एक एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल पैदा हो रही है जिसके कारण इन गैसों का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं ये कैरिना नेबुला है जो देखने में अंतरिक्ष के किसी माउंटेन रेंज की तरह दिखाई देती है और यही बात इसे काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। अब कैरिना नेबुला को एटा कैरिनाई के नाम से भी जाना जाता है जो अर्थ से 8500 लाइट ईयर्स दूर कैरिना कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है। ये इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए कुछ ही महीने पहले ली गई थी इसलिए आप इसमें काफी ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं और इसमें मौजूद हर एक ब्राइट स्पॉट या तो कोई यंग स्टार है या फिर यहाँ किसी स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए जब चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप के द्वारा इस इमेज में मौजूद एक्सरे लाइट के डेटा को कलेक्ट किया गया तो उससे वैज्ञानिकों को ये इमेज मिला। अब इसमें आप जो पिंक डॉट्स देख रहे हैं वो मोस्टली यंग स्टार्स हैं जिनकी एज केवल 1 से 2 मिलियन ईयर्स की ही है विच इज वेरी यंग इन स्टेलर टर्म्स। और इस इमेज को देखकर हम ये बता सकते हैं कि मोस्टली यंग स्टार कैरिना नेबुला के आउटर रीजन में मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यंग स्टार एक्सरे स्पेक्ट्रम में दूसरे ओल्ड स्टार से कहीं ज्यादा ब्राइट होते हैं जिसका एक प्रूफ हमारे सामने भी मौजूद है। अब दोस्तों बारी है हमारी आज के इस लिस्ट के आखिरी इमेज से जुड़े अपडेट की। दोस्तों अभी रिसेंटली नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई एक रेयर इवेंट की इमेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाउ डोंट वरी, ये एडिटर की कोई गलती नहीं है बल्कि ये इमेज सच में एक जायंट फिंगरप्रिंट की तरह लगता है। बट रियलिटी तो ये है कि इस इमेज में मौजूद ये कंसेंट्रिक सर्कल्स अर्थ से 5000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद बाइनरी स्टार सिस्टम के दो स्टार्स के आपस में काफी करीब आने पर उनसे निकलने वाले कॉस्मिक डस्ट से फॉर्म होते हैं। ये फेनोमेना हर 8 साल में रिपीट होता है। अब ये दोनों ही स्टार्स हमारे सूरज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े हैं और इन दोनों में सबसे स्मॉल स्टार का नाम वुल्फ राइट है जो सूरज से 10 गुना ज्यादा बड़ा है और उसका दूसरा साथी स्टार एक सुपर जायंट स्टार है जिसका साइज सूरज से 30 गुना ज्यादा बड़ा है। अब हर 8 साल में ये दोनों एक दूसरे से काफी करीब होकर गुजरते हैं जिसके कारण इन दोनों स्टार से निकलने वाले स्टेलर विंड्स और गैस स्ट्रीम्स काफी तेजी से आपस में टकराती है और कंप्रेस्ड होने के बाद डस्ट क्लाउड्स में बदल जाती है जो दूर से देखने पर रिंग्स की तरह दिखाई देती है। तो दोस्तों ये थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़े कुछ रीसेंट अपडेट्स जो कि अक्टूबर में रिलीज हुई है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो आप नवंबर में भी देखना चाहेंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ यार, वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप भी इस दिवाली अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के साथ साथ कुछ नया प्राइज भी जीतना चाहते हो तो कुकू FM लाया है आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑफर। जाके दिवाली 50 कूपन कोड को यूज करो और साइन अप करो और हाँ, मैंने जो बुक समरीज मेंशन किए हैं उसको जरूर सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।